अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं एक ही वीडियो में। इंशाल्लाह इसको जब आप गौर से सुनेंगे सारी एक्सरसाइज आपको आराम से समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 1 की थी, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी में चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम्स को गौर से देखिएगा, ये बिल्कुल ही आसान है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज है, सेक्शन ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 है। मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आप पेपर में करें चाहे आप कॉपी पे लिखें, तो प्रॉब्लम करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये जहन में रखिएगा कि पहले पहले आप तो उस प्रॉब्लम का आंसर लिखें। आंसर लिख लिया यहाँ पर, उसके बाद उस प्रॉब्लम की डेटा बनाएं, सॉल्यूशन आपने बीच में लिख लिया, उसके बाद डेटा उसकी बनाएं, मतलब कि आपको कौन से पैरामीटर्स गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है, वो आप क्वेश्चन मार्क में लिखें। उसके बाद जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यही बेस्ट तरीका है, आपके जो भी पैरामीटर्स हैं जो आपको मालूम करने हैं वो भी आपको ईजीली याद हो जाएंगे और फाइंड भी ईजीली कर सकेंगे। तो उम्मीद कि आपको ये जो एक्टिविटी डेटा फाइंड करने की है, या पहले आंसर लिखना है उसके बाद जो है सॉल्यूशन लिखना है हमें, उसके बाद उसकी डेटा बनानी है, उसके बाद कौन से रिकॉर्ड वैल्यू हैं कौन से हमें फाइंड करने हैं, तो ये तरीका अगर आप यूज़ करेंगे आप बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रॉब्लम पे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि फिगर 1.26, यहाँ पर ये 1.26 दिखाई दे रही है आपको। तो शोज पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारी ये जो पॉइंट दी गई है, तो यहाँ तक ये जो फिगर बता रही है कि यहाँ तक हमें जो है ना वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 6 है, तो 6 का ये जो है ना 6.1 हम कहलाएंगे, 6.2, 6.3, 6.4, यहाँ पे 6.5 आ गया, मतलब कि आपका ये 6.5 तक जो है ना रीडिंग आपकी वर्नियर की है कंप्लीट, मगर इससे थोड़ी जो है ना राइट साइड बढ़ी हुई है। तो हम जो है ना 6.5, मतलब कि 0.5 से और मज़ीद जो है ना हम इसको मतलब कि डिवाइड करें, या सिमालेस यून में मतलब कि 0.5 का और मज़ीद अगर इनको डिवाइड करें तो 0.05 आ जाएगा और सिमालेस वैल्यू आएगा। इसका कहने का मकसद ये है कि 0.5, उसके बाद ये जो हमारी पॉइंट दी गई है कि यहाँ तक हमें जो है वन ईयर स्केल की रीडिंग चाहिए, तो यहाँ पे ये हम मैंने आप लोगों को बताया कि 6.5 थी, इसको मज़ीद और थोड़ा जो है ना हमें सिमालेस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से 0.05 आ गया। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 6.55 आएगा, तो आपका जो है ना बी आंसर जो है ना वो करेक्ट है। चलते हम सेकेंड प्रॉब्लम पे। 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम। ये जिन में ज़रूर रखिएगा, जो भी चीज़ आप सॉल्व करने जा रहे हो या उसके जो भी ऑप्शंस आपके मिले हुए, वो सॉल्व करने से पहले उनको ऑप्शन को देखें कि वो आया सेंटीमीटर्स में मिले हुए हैं, मिलीमीटर्स में मिले हैं, कौन सा उसका यूनिट है, उस यूनिट को देख के उसके बाद जो है ना वो प्रॉब्लम उस तरीके से ही करें तो इसमें जो है ना आपकी आसानी होगी। तो 10 आइडेंटिकल बॉल हैं और हर एक बॉल का जो है 27 ग्राम मास है। आर इमर्ज्ड इन मेयरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर उसमें मौजूद है। उस सिलेंडर में द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पहले जो है वाटर लेवल जो है 20 सेंटीमीटर था, उसके बाद जो है ना आपका 50 सेंटीमीटर तक वॉल्यूम पहुंच गया जब आपने ये 10 आइडेंटिकल बॉल जो है 27 ग्राम उसका मास था वो जब आपने पोर किया या इमर्ज किया उस वाटर लेवल सिलेंडर में। तो अभी आपको फाइंड करनी है कि व्हाट इज़ दिस डेंसिटी ऑफ द स्टील। आपको पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी रेज्ड लेवल है उसमें से ओरिजिनल लेवल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे रेज लेवल कौन सी है, 50 है, और ओरिजिनल लेवल क्या है, 20 है, तो 50 में से 20 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, मतलब आपको वॉल्यूम भी मिल गया और यहाँ पे मास ऑलरेडी 27 है, 27 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक बाल की जो है ना मास है। तो अगर हम 10 की फाइंड करना चाह रहे हैं तो 10
27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ पे रो जो है जो ऐसा यूनिट है डेंसिटी का, वो रो की इक्वेशन ये है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है। मास ऑलरेडी आपको मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एक जो है ना बाल का ये मास है, तो हम 10 बाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा। तो मास की जगह पे हम 270 लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम ही वैल्यू मिला हुआ है। और उसके बाद हमने ओरिजिनल जो रेस लेवल थी उनमें से ओरिजिनल लेवल हमने जो है ना वो सब्ट्रैक्ट की, मतलब 30 आई थी, यहाँ पे हमने 30 लिख लिया। तो अगर हम जो है ना 270 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी, सी आपका करेक्ट आंसर है, मतलब 9 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी आ गई। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा जो है ना ये एक्सरसाइज या वीडियो आप थोड़ा मज़ीद ही मतलब इसका टाइम बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसको आप गौर से सुनिएगा तो इंशाल्लाह ये सारी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी। हम थर्ड प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्ज इन वाटर एज शोन इन द फिगर 1.27। यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना 100 ग्राम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो इमर्ज्ड है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताई थी कि इरेग्युलर सॉलिड हो तो उसका जो है ना वॉल्यूम कैसे फाइंड करना पड़ता है सिलेंडर में से, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भी इरेग्युलर सॉलिड होता है उनके सिलेंडर की जो है रेज लेवल में से उसकी ओरिजिनल लेवल हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट या इरेग्युलर सॉलिड का वॉल्यूम होगा वो हम वॉल्यूम वी में शो करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना मास ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 90 मतलब कि हमने यहाँ पे जॉब जो 100 ग्राम था वो इमर्ज नहीं किया हुआ है, तो ये 50 लेवल तक रेज हुआ है, मतलब ये वाटर ही सिर्फ है। तो उसके बाद जैसे रेगुलर हमने जॉब यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो ना इसकी लेवल बढ़ गई 90 सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ गई है। तो 90 सेंटीमीटर क्यूब में से हम 50 सेंटीमीटर क्यूब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब आपका जवाब जो आएगा वो 40 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 40 सेंटीमीटर क्यूब आपका वी का वैल्यू आ गया। उसके बाद ऑलरेडी आपको गिवन है कि मास का वैल्यू जो है ना वो 100 ग्राम है। अगर हम 100 ग्राम को जो 40 सेंटीमीटर क्यूब वी का वैल्यू आ गया वो उससे डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मतलब आपका डी जो है ना वो थर्ड प्रॉब्लम का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलते हैं हम आगे फोर्थ प्रॉब्लम पे। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर 1.28। यहाँ पे 1.28 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कि 0 से लेके 5 तक इसकी रीडिंग है और भी इसकी रीडिंग बढ़ी हुई है। तो हम जो है ना 5 है 5, तो ये 0.5 है, तो 0.5 इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये 5 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो 5.5 हो जाएगी। 5.5 में से यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रोमीटर में भी हम राइट साइड रीडिंग भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड रीडिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड रीडिंग लेने से आपको ये होता है कि आप वो ओरिजिनल जो डाटम लाइन की जो रीडिंग है उनमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें 5 है, 10 है, 10 के बीच में मतलब कि अगर ये हम गिनती करेंगे तो ये 13 हो जाएगी, तो 0.13 आ जाएगी। अगर हम 5.5 में से 0.13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू जो है यहाँ पे 5.43 आएगा। ये गौर से सुनिएगा, ये इसकी रीडिंग यहाँ पे 5.5 है और उसमें 5.5 में से अगर हम 0.13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू ये आएगा 5.43 आएगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप खुद जो है ना इसको लिख दीजिएगा, मतलब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू 5.5 है उसमें से 0.13 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू ये 4.43 मिलीमीटर आ जाएगा। ये आपका जो है ना ये रीडिंग होगी माइक्रोमीटर इस फिगर में से। उसके बाद हम फिफ्थ प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। चिप्स रैपर इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब इसकी जो है ना लॉन्ग 4.5 सेंटीमीटर है,
और इसकी वो जो वाइड है वो 5.9 है। इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप लोगों को पता होना चाहिए एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया शो होती है ए से, ए बराबर होती है लेंथ इनटू विड्थ। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, बुक को ख़राब नहीं कर रहा, तो आप एरिया इज इक्वल लेंथ इनटू विड्थ। अगर आप लेंथ इनटू विड्थ ये प्रोडक्शन है एरिया की, तो आप लेंथ की जगह पे 4.5 सेंटीमीटर लिखेंगे और विड्थ की जगह पे 5.9 लिखेंगे। तो जैसे 4.5 और 5.9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 26.55 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो सी आएगा। चलते हैं हम आगे एक्सरसाइज और मस्जिद की तरफ। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रॉब्लम है, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट ऑफ बेस कंट्रीज वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड। आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से हम पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियोस में। उसके मतलब इसके ये है कि 6 नंबर प्रॉब्लम उसका आंसर जो है बी है। उसके बाद 7 जो मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन है वो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि आपकी जो भी एक्यूरेट फॉर्म में जो भी वैल्यू आएगा वो आप डिटरमाइन करेंगे थ्रू द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब कि आपका 7th जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसका आंसर बी है। उसके बाद 8th पे चलते हैं, इफ़ 0 लाइन ऑफ 1 ईयर स्केल कोइंसाइड विद द 0 ऑफ मैन स्केल देन द 0 एरर इज 0। जाहिर बात है आपकी ओवरऑल जब कोइंसाइड ही 0 है और उसकी 1 ईयर स्केल भी 0 ही है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसका मकसद है वो उसमें एरर भी वही 0 आ जाएगी। तो मतलब कि जो 8 यहाँ पे क्वेश्चन मिला हुआ है और उसका जो है ना वो आंसर जो है ना बी है। चलते हम 9 जो मल्टीपल क्वेश्चन है वो 0 एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टम एरर। क्योंकि ये अगर आपकी रीडिंग्स बड़ी नहीं हुई है, 0 एरर ही है इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो हम सिस्टम एरर ही कहलाएंगे। मतलब कि आपके 9 जो मल्टीपल क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो ए। हम चलते हैं 10th जो हमारा सवाल है, लेंथ मास इलेक्ट्रिक करंट टाइम इंटेंसिटी ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ। आपको ये पता होना चाहिए ये बेसिक क्वांटिटी दें या फंडामेंटल क्वांटिटी दें। मतलब कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आप ला सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये स्टैंडर्ड्स हैं ऑलरेडी जो है रिकग्नाइज हैं, और ये बेस क्वांटिटीज में आती हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन ए तो हमारा कवर्ड हो गया, अभी हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक्शन बी है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी आप चीज़ें पढ़ के आए हो उसको आप गौर से थोड़ा देखिएगा तो ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट आप इसको भी कवर कर सकते हैं, कुकिंग बार बी डॉट क्यू। ये आप जब कुकिंग का मतलब मसला आ जाता है तो मकसद है कि उसमें हीट भी होती है, टेम्परेचर भी होती है, ये थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच कवर करता है। टर्निंग दी बल्ब ऑन, बल्ब ऑन ये क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। राइडिंग अ बाइसाइकिल, ये जो ना राइडिंग ड्यूरिंग राइडिंग बाइसाइकिल मतलब आपकी मोशन क्रिएट होगी, या मतलब ये कौन सी ब्रांच आप में फिजिक्स कवर करेगी, ये मैकेनिक्स ब्रांच करेगी, मतलब यहाँ पे मैकेनिक्स लिखेंगे। लुकिंग फॉर गैन गैलेक्सीज, मतलब कि ये आपकी जो है अगर सेटेलाइट्स की बात की जाए, सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए, जो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स की अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये जो ना आती है एस्ट्रोफिजिक्स में, तो यहाँ पे आप एस्ट्रोफिजिक्स लिखेंगे। प्रोड्यूसिंग लाउड साउंड, लाउड साउंड जो है ना वो स्टडी होती है साउंड फिजिक्स में, तो यहाँ पे आप साउंड फिजिक्स लिखेंगे। डिस्क्राइबिंग एन एटम, एटम जो है ना वो एटॉमिक फिजिक्स में आता है क्योंकि उसमें ही हम प्रॉपर्टी बिहेवियर एटम की स्टडी करते हैं। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो जियो फिजिक्स आपको जेन में होगा कि जियो फिजिक्स की मदद से हम स्टडी ऑफ अर्थ कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, कुछ नहीं दी गई हैं, उसका किन क्वांटिटीज का यूनिट दिया गया है, किन का नहीं दिया गया है, उसका कौन सा टाइप है, मतलब बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी, वो आपको लिखना है। एम्पियर, जैसे ऐसा यूनिट एम्पियर का क्या है, करंट है।
उसके बाद यहाँ पे करण लिखेंगे, कौन सी एम्पियर है दायरी बात है वो बेस क्वांटिटी है, हम यहाँ पे बेस लिखेंगे, यहाँ पे करण लिखेंगे। मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब किसका मतलब कि कौन सी क्वांटिटी फिजिकल की, वॉल्यूम की वॉल्यूम क्वांटिटी है, तो उसका मीटर क्यूब जो है ना वो एसआई यूनिट है। ये कौन सी टाइप है मतलब फिजिकल क्वांटिटी, जाहिर बात है ये मीटर क्यूब जो है ना ड्राइव्ड हुआ होता है बेस क्वांटिटी से, तो ये इसे यहाँ पे हम ड्राइव्ड क्वांटिटी लिखेंगे। तो सेकंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, जाहिर बात है वो बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आपकी बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो यहाँ पे केल्विन लिखेंगे, यहाँ पे आप बेस लिखेंगे, बेस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो न्यूटन आप देख रहे हैं कि ये कौन सा फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसका जो है ना यूनिट न्यूटन वैल्यू है, तो आप फोर्स का जो है ना न्यूटन होता है, फोर्स बेसिकल है क्या, ये भी यहाँ पे फोर्स लिखेंगे, यहाँ पे न्यूटन उसका ऐसा यूनिट है मतलब ये ड्राइव्ड है, यहाँ बेस क्वांटिटी है तो आपको समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पे ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी का वैल्यू ऐसा यूनिट पहले से लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका मकसद है कि ये ऑलरेडी ड्राइव्ड है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी क्या है ड्राइव्ड है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़ 230 सेंटीमीटर, इसको आप मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 230 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा जो भी आएगा। ज़हन में रखिएगा यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको 230 क्योंकि आपका 1 मीटर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आपको जो है ना फाइंड क्या करना है, मीटर में वैल्यू लाना है, तो इसको आप 230 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपका मीटर में वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद 250 ग्राम को अगर आप ग्राम किलोग्राम में फाइंड करें, जाहिर बात है मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 kg 1 किलोग्राम जो है बराबर होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो जाहिर बात है 250 ग्राम को अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो जो भी वैल्यू आएगा वो किलोग्राम में आ जाएगा। उसके बाद 0.5 सेकंड है, यहाँ पे हमें मिली सेकंड में फाइंड करना है, मिली मतलब कि और मज़ीद इसको कम करना है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.5 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका मिली सेकंड में आ जाएगा। 0.58 मीटर को आप मिलीमीटर में कैसे कवर करेंगे, या दायरी बात है 0.8 मीटर जो है ना बड़ा होता है, उसको आप फर्दर जो है ना मिनिमाइज कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.8 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपका मिलीमीटर में वैल्यू आ जाएगा। चलते हैं ई नंबर जो है 350 मिली सेकेंड, उसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, जारी बात है ये मिली सेकंड कम वैल्यू है टाइम का और इसको सेकंड में अभी कन्वर्ट करना है, तो जारी बात है इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे, 350 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपका सेकंड में वैल्यू आ जाएगा। 1.2 किलोग्राम है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपका ग्राम में वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये फोर्थ सेक्शन बी का फोर्थ प्रॉब्लम है, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम है। यहाँ पे एने इंजीनियर्स मेजर द विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शोन इन द फिगर 1.29। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका वैल्यू, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से लेके 3 के बाद और जो है ना 0.2 डिजिट्स बढ़ी हुई है, तो आप जो है ना कह सकते हैं 3.2 मीटर जो है ना आपकी विड्थ है एल्यूमिनियम शीट की, यहाँ पर मतलब 3.2 इसका आंसर है, मतलब ए का आंसर क्या आएगा 3.2। उसके बाद विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज और मीटर रूल, आपको पता होना चाहिए स्क्रू गेज हमें जो है ना प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, उसके बाद जो है ना आपका वर्नियर कैलिपर देता है, उसके बाद जो है ना मीटर रूल देता है, मतलब आपसे कोई भी पूछे कि इन तीनों में से कौन सा प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, तो आप कहेंगे कि स्क्रू गेज देता है। अब पेंडुलम स्विंग एज शोन एफ फिगर 1.30, ये 1.30 है, फ्रॉम एक्स टू वाई
सपोज करें यहाँ पे x टू y हम मूव कर रहे हैं एंड सिमिलरली फ्रॉम y टू x मूव कर रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, कौन से स्टेटमेंट सही है आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच। यहाँ पे बोल रहा है कि रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस इन मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ये स्टॉपवॉच में स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसा कोई फंक्शन हो कि 10 से हम और जो है मज़ीद मल्टीप्लाई करें। रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइडेड बाय 10, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला भी ऑप्शन आपके स्टॉपवॉच में नहीं आता है। रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, ये आपका स्टेटमेंट सही है, मतलब कि आपकी पूरी ऑसिलेशन x से y तक, y से x तक, मतलब दो पॉइंट्स में जो है ना जो भी ऑसिलेशन हुई है वो ये आपकी स्टेटमेंट कवर करता है। मतलब फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट सी जो है ना वो करेक्ट है। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन टाइम रिएक्शन जो है ना वो मोर एक्यूरेट है, क्योंकि क्यों वो मोर एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें जो है ना आपकी कैमराज लगी हुई होती है, आपकी जो भी एक माइन्यूट मूवमेंट होगी वो भी आपकी काउंटेबल होगी और काउंट की जाएगी। उसके बाद जो भी आप रीडिंग ले गए वो जो है ना माइन्यूट जो है ना हम इग्नोर कर देते थे उनको आप सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअल मेजरमेंट काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी ह्यूमन रिएक्शन टाइम। उसके बाद हम प्रीफिक्सेस पे आते हैं, राइट द करेक्ट फैक्स ऑफ नोटेशन। यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है 75, ये 1000 है, मीटर है, इसको आप 75, तो आपको 750 दिया गया है। बाकी कितने डिजिट्स रहते हैं, दो डिजिट्स रहते हैं, दो डिजिट्स मतलब ये हेक्टा कवर करता है। यहाँ पे आप हेक्टा लिखेंगे, 750 हेक्टा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू दिखाई देगा, इनवर्स दे रहा है यहाँ पे, आपको आपको पता होना चाहिए 2 / 1000 सेकंड, इसको मतलब के 1 मिली आप कहेंगे, क्योंकि ये मिली 10^-3 होता है, तो ये आपका अगर डिवाइड के ऊपर लेके जाएंगे 10^-3 होगा, तो यहाँ पे 1 मिली आ जाएगा। आज अगर हम इधर बात करें, ये भी जो है इन्वर्स में है, तो 1 ये 6 times 0s हैं, तो 1 माइक्रो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइक्रोग्राम आ जाएगा। उसके बाद 1/9 ये 0 दिखा रहा है मीटर, तो मतलब कि ये आपका ये गिग्गा है, मतलब कि आपका ये नैनो से जो है ना अपोजिट में या पॉजिटिव फॉर्म में जो होता है वो गिग्गा आता है, यहाँ पे 1 गिग्गा लिखेंगे। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन से, विच वैल्यू इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन, द रेडियस ऑफ 1 orbit ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रेडियस 0.53 angstrom है। आपको पता होना चाहिए 1 angstrom बराबर जो होता है वो 10^-10 होता है। अगर आप यहाँ पे 0.5 × 10^-10 लिखेंगे तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि आपको दोबारा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 0.53 × 10^-10 लिखेंगे तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम की जगह पे हमने 10^-10 लिखा है। 1 light year इज ये वैल्यू मिला हुआ है मीटर, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। यहाँ पे देखें, हम अगर दो चीज़ें हैं, अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू 10^-10 में आ जाएगा, उसका कोफिशेंट जो होगा आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसका कोफिशेंट जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे 2 point यहाँ पे हम पॉइंट दे रहे हैं, 2 point यहाँ पे 6 और 2 के दर में पॉइंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, 1, 2, 3 इन डिजिट्स को काउंट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब के 2.6 यहाँ पे लिखेंगे (10^-11), क्योंकि क्यों 11 लिखा है पॉजिटिव में, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, तो ये आपका 2.6 × 10^11 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर है 2.7 × 10^-4 जो पावर है टॉर का, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आपको मैं एक लिखना तो नहीं चाहिए, 0.0003 डिजिट्स लिख रहे हैं 2.7। तो यहाँ पे ये वैल्यू देखें, अगर हम इधर
पॉइंट देंगे तो जाहिर है राइट साइड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो हमारी 4 डिजिट्स जो है ना वो काउंट हो गई। अगर हम जो है ना लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो ये नेगेटिव इसका पावर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप टेक लेंथ, यहाँ पे आपको लेंथ भी रेडियस भी इन ये इन दोनों का एक ही वैल्यू मिला हुआ है 2 मीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम। अगर आपके दो साइड जो है ना इक्वल हैं तो आपको समझ लाना चाहिए कि तीसरी साइड भी उसी वैल्यू के बराबर होगी, मतलब कि आपकी लेंथ, आपके वेड़ और आपकी हाइट जो भी है वो 2 मीटर है। तो कैलकुलेट वॉल्यूम हम कैलकुलेट कैसे किस में करेंगे, जारी बात है वो आपको क्यूब में करनी होगी, मतलब आपके 8th सवाल का जो है ना आंसर दिए। उसके बाद जो है ना हम फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्पेयर एंड क्यूब, आपको स्पेयर में से फाइंड करना है और उसके बाद क्यूब में से फाइंड करना है। इफ़ द मास ऑफ वुड इज़ 1 kg, इज देयर एनी चेंज इन द डेंसिटी ड्यू टू शेप, ये सब कुछ आपका यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेयर का फार्मूला है 4/3 πr² तो 4/3 πr² में से ये स्पेयर का फार्मूला है, उसके बाद क्यूब का फार्मूला है मीटर क्यूब। अगर आप r यहाँ पे भी 4/3 स्पेयर का फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 4/3 πr³, तो πr³ में से r का वैल्यू अगर आप 1 लिखेंगे तो उस 4/3 πr³ में उस वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू मतलब कि ज़्यादा आएगा। अगर आप क्यूब फॉर्म में लिखेंगे मतलब मीटर क्यूब में, मतलब कि r का वैल्यू जो है ना या m का या मीटर का वैल्यू जो है ना वो 1 लिखेंगे तो वो 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे 4/3 πr³ में लिखेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका ज़ाहरी मकसद यही है कि डेंसिटी ये सब कोर्स चेंज हुई है इन द स्पेयर एंड स्पेयर में ज़्यादा हुई है और क्यूब में कम हुई है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विथ 500 cc वाटर, स्टोन ऑफ मास 20 g इज इमर्ज इन बोथ द सिलेंडर सच दैट वाटर लेवल रेजेज अप टू 800 cc, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे देखें, ये आपका मास है, ये आपका वाटर पहले से फिल्ड हुआ है, उसके बाद जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इरेगुलर सॉलिड हम इसमें पुट कर रहे हैं तो ये जो ना इसकी वाटर लेवलिंग रेज हो रही है, मतलब 500 में से 800 सीसी तक पहुंच रही है। तो ये आपकी कौन सी यहाँ से नीचे से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको पता होना चाहिए। हम ये जो भी सिलेंडर्स की स्टडी कर रहे थे तो ये वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, मतलब ये डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स डेंसिटी हम फाइंड नहीं कर सकते इनमें से, तो डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन, मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ स्टोन ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन जो है ना बी सही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, लास्ट जो हमारी है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहा है कि राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग वैल्यूज, 980 हैज कितनी यहाँ पे फिगर्स हैं, 2, यहाँ पे आप 2 डिजिट्स लिखेंगे क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारी ये 0 जो है लास्ट काउंट नहीं होगी तो हमारी 2 डिजिट्स होंगी। तो यहाँ पे आप बी में देखें 991.60 तो 0 काउंट नहीं होगी तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। यहाँ पे सी जो है ना वो स्टेटमेंट बता रहा है कि 10010.100, तो यहाँ पे 2 ये मज़ीद डिजिट्स काउंट नहीं होगी तो बाकी आपकी सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 डिजिट्स होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपकी 2 डिजिट्स काउंट नहीं होगी तो आपकी बाकी कितने डिजिट्स रह गए, 6 और 8, मतलब कि आपके 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो उम्मीद कि ये आपको पूरी तरह एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे, मगर शर्त ये है कि आप इसको गौर से वीडियो को समझिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ये पूरी एक्सरसाइज समझ में भी आ जाएगी और कवर्ड भी हो जाएगी।
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स वो स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी में ये 9th का सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद मैट्रिक फर्स्ट ईयर और उसके बाद इंटरमीडिएट पे आ जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम होंगे वो भी आपके सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।